तो मैंने अपना जिम ज्वाइन कर दिया 18th बर्थडे पे। उसके बाद एक महीना दो महीने बाद धीरे धीरे फिर 3 महीने हुए, कुछ नहीं हो रहा, कोई मुझे रिजल्ट नहीं दिखा क्योंकि उस टाइम गाइडेंस नहीं थी, कोई गाइड करने वाला भी नहीं था मुझे। पूरे दिन में आप कितने जो है एक्स ले लेते हो? सर मेरे तो 10 हो जाते हैं, 10 से 12। वैसे बॉइल्ड एग्स में कम ही खाता हूँ। 10 से 12 एग्स में काम चल जाता आपका? हाँ सर। पर मैं उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा मैं थोड़ा पूछना चाहूँगा कि वो जर्नी में क्या क्या चीज़ें आपको जो है वो अच्छा था। सर बहुत अच्छा था, एक तो सर्दियों का टाइम था सर, दिसंबर में। जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश यादव आपका फिटनेस ट्रेनर एंड कोच। जैसे कि आपको मालूम है हमारी सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन से मिलवाते हैं या एथलीट से मिलवाते हैं जो गेम्स के अंदर एक अच्छा काम कर रहे हैं। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं इंडिया के ऐसे दूसरे एथलीट से जिन्होंने क्वालिफाई किया है ओलंपिया प्रो पावर लिफ्टिंग के अंदर, जो वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं, एशिया चैंपियन भी रह चुके हैं, जिनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है 75 वेट कैटेगरी के अंदर इन्होंने 300 केजी प्लस डेडलिफ्ट मारी है इन्होंने। ये कई बारी जो है नेशनल के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग मैन रह चुके हैं, और उससे बड़ी खास बात ये बॉडी बिल्डिंग भी कर चुके हैं और मैन फिजिक्स भी कर चुके हैं। स्टेट के अंदर इनके बहुत सारे जो है रिकॉर्ड्स हैं और हर बार ये चैंपियन रहते हैं। आज हम आपसे मिलवाने वाले हैं शन्नी शहरावत से। तो आज हम मिलवाने वाले हैं शन्नी शहरावत से। कैसे हो सनी? सर बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सनी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो है आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई थोड़ा? सर सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ जो आपने अपने YouTube चैनल पे मुझे प्रमोट के लिए बुलाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी सर, मेरी स्टार्टिंग तो 2014 से हुई थी, दिसंबर से। तो मैं बहुत स्किनी था उस टाइम, लीन बिल्कुल पतला सा, और मैं उस टाइम नेशनल खेलता था वॉलीबॉल में। तो उसी टाइम मुझे ये कहा कि गेन करना है मुझे वेट और थोड़ा कपड़े फिट आ जाएं, तो मैंने अपना जिम ज्वाइन कर दिया 18th बर्थडे पे। उसके बाद एक महीना दो महीने बाद धीरे धीरे फिर 3 महीने हुए, कुछ नहीं हो रहा, कोई मुझे रिजल्ट नहीं दिखा क्योंकि उस टाइम गाइडेंस नहीं थी, कोई गाइड करने वाला भी नहीं था मुझे। तो हमारे जिम ट्रेनर ने उन्होंने पहले प्रोटीन भी दे दिया, क्रिएटिन भी दे दिया, सप्लीमेंटेशन दे दी मुझे। फिर
तो शुरुआत से ही जो है आपने शुरुआत ही आपने जो है सप्लीमेंट से करी तो ये तो जो है अच्छा आपका सब आ रहा है कि शुरुआत में ही आपने सप्लीमेंटेशन से शुरुआत कर दी और वॉलीबॉल से जो आपने शुरुआत करके और जो है आपने जिम लाइन में आके अपना तैयारी शुरू कर दी। तो आगे आपका क्या, किस तरीके से आपने जर्नी चली सर? धीरे धीरे मेरा साइज गेन होने लगा, फिर मुझे मिथ पता चलने लगा कि एक्चुअली ये सप्लीमेंटेशन कुछ नहीं है, सारा रोल डाइट का है, आपका एक्सरसाइज का है और रेस्ट और रिकवरी, ये मुझे मिथ पता चला उसके। तो आपका क्या शेड्यूल रहता है सुबेरे से जो है, आप अपना शेड्यूल बताइए, किस तरीके का शेड्यूल रहता है आपका? सर शेड्यूल मेरा मॉर्निंग में अपना, मैं 5:30 उठ जाता हूँ सुबह मॉर्निंग में, उसके बाद मेरे अपना 5 बॉइल्ड एग्स रहते हैं और उसके साथ मिल्क और अपना मूसली, ये मेरा फिक्स है डेली का। 5:30 जब उठता हूँ तो 6 बजे तक मैं ये खा लेता हूँ। तो सर्दी और गर्मी 5:30 बजे फिक्स है आपका टाइम एकदम? फिक्स है, 5 अंडे और मिल्क के साथ अपना मूसली। उसके बाद सर फिर मैं जिम जाता हूँ 6:30 बजे, स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनको ट्रेनिंग देता हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग भी है मेरे पास काफ़ी, तो वहाँ से उनको एक्सरसाइज करा के फिर मैं 11 बजे अपने घर आता हूँ, फिर मम्मी को ड्रॉप करता हूँ ऑफिस के लिए, उसके बाद मैं खुद ही फिर सर बॉयल्ड चिकन 250 ग्राम बॉयल्ड चिकन और राइस मैं खुद बॉयल करके मैं फिर डाइट लेता हूँ। उसके बाद की मील है मेरी प्रोटीन शेक, प्रोटीन शेक लेने के बाद मेरा मल्टीविटामिंस रहती है सर, फिर मेरे को थोड़ा रेस्ट करना होता है, 1-2 घंटे मैं सो जाता हूँ। उसके बाद सर जैसे उठता हूँ फिर मुझे एक मील और चाहिए, 3-3.25 कह रहा हूँ, उसमें भी मेरा चिकन राइस ही होता है, या फिर मैं उसको जैसे अब मेरे पास चिकन काफ़ी टाइम लगता है चिकन बॉईल करने में, तो उसकी जगह मैं स्किप कर देता हूँ, फिर एग ले लेता हूँ उसकी जगह, उसमें भी 5 अंडे रहते हैं, ऑमलेट रहता है मेरा। तो जो है सबसे पहली जो चैम्पियनशिप आपने करी थी तो उसका बताइए, आपने कैसे शुरुआत हुई आपकी? सर मैंने कभी, मतलब जब मैं फिटनेस लाइन में आया तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बॉडी बिल्डिंग में जाना है, कम्पीट करूँगा मैं, कभी नहीं। बट मेरे भैया थे अरुण भैया, अरुण गुरुजी हमारे कहते थे उन्हें, तो उन्होंने, वो लड़के तैयार करते थे अपने, तो एक था वो साथ में कर रहा था हमारे, तब मैंने भी कहा, मैंने कहा भैया मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, उन्होंने कहा तू पहले 1-2 महीने आ मेरे पास, मैं तेरे को ट्रेन कराऊँगा, फिर तू बताइयो कि तू कर लेगा या नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने मेरे में मेहनत देखी सर, फिर धीरे धीरे उन्होंने स्टार्ट करा, फिर सर मैंने फर्स्ट चैम्पियनशिप खेली थी 2015 में दिसंबर में मिस्टर दिल्ली सर, उसमें मेरी सेकंड प्लेस आई थी सिल्वर मेडल जूनियर सीनियर में बिलो 60 kg वेट, बॉडी वेट। तो यानी कि आपका उस टाइम वेट जो है 60 kg था, 60 kg में पहला कॉम्पिटिशन आपने शुरुआत करी और पहली बार में आपकी कौन सी प्लेस आई सर? सेकेंड सिल्वर मेडल। ओके हाँ जी। और उसके बाद सर? उसके बाद फिर पहली तो सर घर वाले, सर सबसे मेन रोल था हमारा मेरी पेरेंट्स का, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा मुझे सर। स्टार्टिंग में जब मैं फिटनेस लाइन में आया तो मुझे घर वाले सिर्फ 100 रुपये देते थे, क्योंकि इतना हमारा बैकअप नहीं है इतना, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से, तो मदर जॉब करती हैं, फादर रेंट देखते हैं सब कुछ। तो उस टाइम मैं सर कॉलेज में ही था, तो कॉलेज भी जाना होता था सर, फिर जिम भी और डाइट भी 100 रुपये मिलते थे, अब मैनेज सारा सब कुछ मैनेज करना पड़ता था उसी में। तो सर उसमें भी उसी में ही उसी ड्यूरिंग में मैंने अपना दिल्ली स्टेट भी खेला था, उसमें मेरे को अरुण भैया ने बहुत हेल्प करी थी, उन्होंने अपनी तरफ से मेरे को प्रोटीन पाउडर दिया था और काफ़ी चीज़ें उन्होंने करा था। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जब जब हम तैयारी करते हैं किसी भी गेम की तो कितने पैसे जो है उसमें एक प्रिपरेशन में एक गेम के लिए कितने पैसे लग जाते हैं? लोग कहते हैं कि 50,000 रुपये खर्च हो जाते हैं, 1,00,000 रुपये खर्च हो जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा सर आप अपनी बॉडी पे कितना ही पैसा डाल लो वो और अच्छी होती जाएगी। ऐसा कोई नहीं है कि 50,000 का पैकेज, जैसे अपना कोई भी गुरुजी होता है वो 50,000 का पैकेज रख देता है, भाई तेरी मैं बॉडी बनवा दूंगा 1,00,000 रुपये का इतना, बट वो एक आपको बजट देते हैं कि 1,00,000 रुपये आपके लगेंगे एक कॉम्पिटिशन में, अगर अच्छे लेवल की तैयारी करनी है तो आपको, लाइक IFBB जब मिस्टर दिल्ली के लिए सर 1-2 साल लगते हैं तैयार होने में उसमें, बट 10-10 साल से भी तैयारी कर रहे हैं सर, उनकी प्लेस नहीं आ पाती उसमें। तो 1 साल बाद मैंने
2018 में मैं मेंस फिजिक की तैयारी करने लग गया था। मैंने अरुण भैया से कहा था कि भैया अब मेरे को मेंस फिजिक खेलना है, तो मेरा उस टाइम बजट भी अच्छा हो गया था, मैं ट्रेनिंग देने लग गया था, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देने लगा था, डाइट शेड्यूल और सब कुछ, मतलब मेरा काम अच्छे से चलने लग गया था सर। तो सर उसके दौरान मेरे ना मेंस फिजिक में मेरे 160,000 रुपये लग गए थे सर सिर्फ 2 महीने। अच्छा, तो यानी कि जो मैन फिजिक्स में जब तैयारी करते तो 1,60,000। सर हमारा मेन मोटिव था सर ओलंपिया खेलना, एमेच्योर ओलंपिया होता है इंडिया में, वो खेला था सर ए कैटेगरी में मैंने मेंस फिजिक। ओके, हाँ जी, ये मुंबई में हुआ था अपना। तो उससे पहले मैंने जस्ट प्रैक्टिस के लिए सर मिस्टर दिल्ली खेला था, उसमें मेरा टॉप 5 में मैं सिलेक्ट हुआ था। उसके बाद मैंने मिस्टर ग्लैडिएटर खेला था, उसमें मेरी 3rd place आई थी, ब्रॉन्ज। उसके बाद सर मैं फिर मुंबई के लिए गया, वहाँ पे मैं टॉप 11 में सिलेक्ट हुआ था, बट उसके बाद मेरी प्लेस नहीं आई वहाँ पर। काफ़ी डिमोटिवेशन भी हुई थी कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझसे अच्छे लड़के भी थे वहाँ पे, उनकी प्लेस नहीं आई। पर स्टेज से उतर के तो लगता ही है, डिमोटिवेशन आती है कि इतनी मेहनत करी है सर फिर प्लेस नहीं आई। तो ये इसमें कहते हैं कि जो है पॉलिटिक्स चलती है, अच्छे एथलीट को आगे नहीं आने देते, तो इसमें कितनी सच्चाई लगी तुम्हारे? सर काफ़ी जगह मैंने देखा है, जैसे गेम्स जो हमारे अपने जो होते हैं फेडरेशन के, जो भी कोच करा रहे हैं, कोच के अंडर जो बच्चे होते हैं उनमें वेट अपना कम लिखवा के वो स्टेज पे चढ़ा देते हैं। ये मेरे साथ हुआ है सर, मेरा दिल्ली में ही हो गया था ये फर्स्ट मेरा जो कॉम्पिटिशन था सर, उससे अच्छे लेग्स थे मेरे, उससे अच्छे कोर था मेरा, बट उसको वो जिता दिया, 1st place उसको दे दी। अब सर जजिंग उनके डिसीजन था तो मैं लड़ नहीं सकता था उनसे, तो मेरी 2nd आ गई थी सर उसमें। काफ़ी चीटिंग तो सर मेरे हर कंपटीशन में हुई है वैसे मेरे साथ। तो और कौन कौन सी ऐसी कोई ऐसी मेन दिक्कत आपके साथ जो इस जर्नी में आई आपकी बॉडी बिल्डिंग के में, तो कुछ ऐसी चीज़ बताओ जब आपको जो है ना बिल्कुल ये हो गया कि अब मैं आगे नहीं करूँगा। सर मेंस फिजिक के बाद मैं बॉडी बिल्डिंग, फिर मेंस फिजिक के बाद मैंने स्विच कर दिया सब कुछ कि इसमें बहुत पैसा लगता है, अब बॉडी भी ख़राब हो रही है अंदर से, उसको वॉशआउट भी करना होता है। फिर सर थक गया था मैं काफ़ी, सर अर्निंग भी करनी, मेरा शेड्यूल सर ये था जब मैं मेंस फिजिक की तैयारी कर रहा था तो मॉर्निंग में उठना होता था अपना डाइट वेट बना के, सर सुबह ट्रेनिंग देनी, फिर मेरा 11 बजे से पहले मम्मी को छोड़ने जाना होता था ऑफिस, फिर 11 बजे से मेरा स्टार्ट होता था वर्कआउट, मेरा 2 बजे तक ख़त्म होता था सर। आपको पता है सर रेपुटेशन एंड कोर की कार्डियो, फिर सर मैं आता था फिर डाइट बनाता था, उसके बाद फिर मैं रेस्ट करके फिर दोबारा मेरे को 5 बजे से 9 बजे तक ट्रेनिंग देनी होती थी, उसके बाद मैं 11 बजे तक वर्कआउट करता था रात को, फिर दोबारा मैं घर आके सर डाइट एंड रेस्ट, मेरा सर यही मेरा 2 महीने पूरा यही प्रॉपर चला था। ये भी आपने कहा कि जो है कि मतलब शरीर ख़राब हो रहा था मेरे को, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको दिक्कत आ रही थी? सर ख़राब मीन्स कि साइड इफ़ेक्ट्स, आपको पता है चिड़चिड़ापन आ जाता है सर डाइट, जब आप डाइट पे रहते हो और जब आप बिल्कुल वाटर कट पे रहते हो, जो पीक वीक होता है हमारा, जैसे हम लास्ट वीक बोलते हैं कंपटीशन से 6 दिन पहले जो हफ्ता होता है उसमें हम वाटर आउट कर देते हैं, तो उस टाइम चिड़चिड़ापन सर, मन करता है कि ये खा लूँ वो खा लूँ, बट सर फिर कहते हैं कि ध्यान आता है कि इतना हमने मेहनत करी है एक कॉम्पिटिशन के लिए, तो वो सब वेस्ट जाएगी सर। तो जो है इसके बाद जो है आपने क्विट कर दिया, तो फिर ये पावर लिफ्टिंग की तरफ कैसे आपका रुझान हुआ? सर पावर लिफ्टिंग एक्चुअली ना, जो मैंने मेंस फिजिक खेला था उसके बाद जो मेरे कोच थे अरुण भैया, उनकी डेथ हो गई थी सर 2018 में दिसंबर में, उनके हार्ट अटैक हुआ था। तो उसके बाद सर मैं बिल्कुल ही माइंड से, मतलब एक तरह से पागल ही लगा लो, मैं डिप्रेशन में चला गया था उस टाइम बहुत। फिर उस टाइम सर ये मेरी फ्रेंड थी एक मनाली, उन्होंने मेरे को कॉल करके बुलाया, मोहित सर भाई थे वो, आपका ही कंपटीशन खेलने गए थे दिल्ली स्टेट, जब आपने फर्स्ट टाइम बेगमपुर में कराया था सर जी, हाँ उसमें नेशनल का सिलेक्शन भी हो रहा था, तो उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया, सनी आजा डेडलिफ्ट का कंपटीशन है, तेरी डेड भी अच्छी है तो तू कर लेगा। तो सर मैंने सोचा कि कर लेते खेल लेते हैं, तो सर फिर वहाँ पर मैं गया हूँ खेलने के लिए, आपसे बात हुई थी, राजन सर से बात हुई थी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके उस टाइम, मतलब एक फैमिली टाइप में ही लगा था मुझे
कि गलत गाइड नहीं करोगे आप, क्योंकि कंपटीशन में होता है सर एथलीट होते हैं, ये कर दो वो कर दो, इधर चले जाओ उधर चले जाओ, आपने बिल्कुल मतलब अपने बच्चों की तरह ही हमें रखा कंपटीशन में भी। फिर सर वहाँ पे मैंने फर्स्ट प्लेस ली थी डेडलिफ्ट, मैंने ओनली डेडलिफ्ट खेला था उस टाइम। फिर उसके बाद नेशनल में मेरा सिलेक्शन हुआ सर फर्स्ट टाइम। हाँ जी सर, उसके बाद जमशेदपुर था, आपको पता ही है कैसा जर्नी रही थी हमारी जमशेदपुर ट्रेन की पूरी, और सर वहाँ जाके भी कितना मतलब तो एक बार मैं उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा मैं थोड़ा पूछना चाहूँगा कि वो जर्नी में क्या क्या चीज़ें आपको जो है वो अच्छा था। सर बहुत अच्छा था, एक तो सर्दियों का टाइम था सर, दिसंबर में 26 दिसंबर था, तो सर 25 आवर्स की ट्रेन थी सर, खड़े होके गए थे सर 25 घंटे का सफर, वो भी खड़े होके, एक चैंपियनशिप खेलने जा रहा है खिलाड़ी, 25 घंटे खड़े होके वो चैंपियनशिप खेलेगा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर। फिर वहाँ जाके हमने सर कहा कि जब अगर अब नहीं जाएंगे ट्रेन में वापस, दोबारा नहीं जाएंगे सर। वहाँ पे पहुँचे, फिर हमने अपना वेट दिया, नेक्स्ट डे होटल भी ले लिया था हमने वहाँ पर ही, आप तो थे ही हमारे साथ ही सर। वहाँ पे मेरी प्लेस पड़ी गोल्ड मेडल डेडलिफ्ट में, हाँ मतलब आसपास कोई भी नहीं था मेरी वेट कैटेगरी में। तो ये है एक चैंपियन की निशानी, 25 घंटे का सफर करने के बाद वो भी खड़े होके और इंडिया के दूसरे कोने में जाके अपनी चैंपियनशिप के लिए इतनी विलिंगनेस और इतना जो है ना, और वहाँ पे जाके वेट भी लूज हो गया इनका, वेट कैटेगरी भी दूसरी चेंज हो गई, उसके बावजूद भी गोल्ड मेडल। तो ये खिलाड़ी की जो है ना एक चीज़ जो है ना देखने को जो मिलती है। तो गोल्ड मेडल के बाद जो है उसके बाद फिर आगे की जर्नी कैसे रही आपकी? सर उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं स्विच कर गया पावर लिफ्टिंग में सर, सिर्फ डेडलिफ्ट नहीं, मैं अब फुल पावर लिफ्टिंग में आ गया था। पर मुझे नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की, बट ये था कि हाँ मैं अपने बॉडी वेट में अब अच्छा वेट उठा लेता था। फिर मुझे मिले राज भाई, राज दोहन हिसार के हैं वो, उन्होंने भी मेरे साथ क्वालिफाई करा हुआ है प्रो पावर लिफ्टिंग में। okay. हाँ तो वो भी जाएंगे हमारे साथ अभी, तो सर उनके अंडर ही मैं कर रहा हूँ वर्कआउट, वही मुझे गाइड करते हैं अब पावर लिफ्टिंग के लिए। तो सर उसके बाद मैं पावर लिफ्टिंग में स्विच करा, तो आपका IPF था शायद मार्च में सर, उसमें मैं स्ट्रॉन्गमैन बना सर। हाँ उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल लिया था। तो कितनी आपकी जो है उस टाइम लिफ्ट थी आपकी जो है उसे? सर मेरी आई थिंक 250 मेरी डेड थी, 2019 मार्च 250 डेड थी सर, 200 kg रॉ स्क्वाट थी और 140 बेंच थी सर, 75 बॉडी वेट में जूनियर में। 75 kg जूनियर के अंदर कितना टोटल था आपका? सर 580 या 560 या 580 के करीब था मेरा शायद। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा जो है एक जो है रिकॉर्ड है, और इनके नाम रिकॉर्ड भी रह चुका है डेडलिफ्ट के, ये रिकॉर्ड होल्डर है वर्ल्ड के। तो ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सर वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं सोच के नहीं गया था कि मेरा बन जाएगा, तो ये सर मेरा एशियन चैम्पियनशिप में बना था, रशिया गए थे हम दलजीत सर के साथ, ये WPC फेडरेशन है अपनी, उनके साथ गए थे सर, अकेला गया था मैं खेलने। तो दलजीत सर ने ये कहा कि चार लड़के और हैं आपके साथ, उनका और ध्यान रख रहा है, वो थे सर सब जूनियर, वो 16 ईयर्स के, कोई 17 ईयर्स के सर, वो जनरली भी मेरी बहुत ही यादगार है। उनके वहाँ सर पासपोर्ट खो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आई थी वहाँ, इमिग्रेशन पे रुकवा लिया उन्हें, दलजीत सर जा नहीं पाए थे, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि वो कोच थे हमारे, हेड थे लेके जो जा रहे थे हमें, तो वो जा नहीं पाए थे, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी काफ़ी। तो ये देखो जर्नी किस तरीके की, एक एथलीट को क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है जब वो इतनी मेहनत करने के बाद जब बाहर जाता है, और किस किस तरीके की दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। तो ये बिल्कुल जो है ना बड़ा इमोशनल मैं देख पा रहा हूँ इन सब चीज़ों को, कि किस तरीके से क्या इनको उस टाइम क्या इनका फीलिंग रही होगी। मेरे माइंड में ये था मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करना है, मुझे मेडल से को वो नहीं था कि मुझे मेडल जीतना, ना सिर्फ सनी तेरा नाम आना चाहिए और इंडिया का फ्लैग सर, ये मेरी ड्रीम थी कि चाहे कुछ ना हो सर। जब मैं 2014 से ही मैंने, जब मैंने आपको बताया जर्नी स्टार्ट हुई सर, तब से जब कम्पीट करा था फर्स्ट कॉम्पिटिशन, कि फ्लैग लेके खड़ा होना है स्टेज पे, चाहे वो फर्स्ट प्लेस हो, सेकंड प्लेस हो, थर्ड हो, वो भी सर इंडिया का, वो भी बाहर अपना। तो जब एक एथलीट जब सोच लेता है कि मुझे तो अपना तिरंगा झंडा लहराना है चाहे जो मर्जी हो जाए,
और शनी ने भी यही किया कि जो है इतना कुछ होने के बावजूद भी वो जुनून वो अपने अंदर बना के रखा, और वो दिन भी आया आखिरी जब जो है इन्होंने चैंपियनशिप के अंदर जो है पार्टिसिपेट किया। तो इसके अलावा जो है और भी कोई आपको मेजर दिक्कत आई इस तरीके की, जिस तरीके से इंजरी में आपने किया, कोई और भी आप? हाँ जी सर, एशियन चैम्पियनशिप से पहले मुझे एक और दिक्कत आई थी। मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने वाला था अप्रैल में, मार्च के बाद सर मैंने क्वालिफाई कर लिया था वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए। तो सर मैं ट्रेनिंग करने गया जम्मू राजन सर के पास। सर बहुत ही दिक्कत आई थी वहाँ पर भी, वहाँ पे एक तो फ़ोन नहीं चले, नेटवर्क नहीं आ रहे थे सर, बहुत मुश्किल से वहाँ कॉन्टैक्ट करा मैंने। और उस टाइम पुलवामा अटैक हुआ था सर, वहाँ पे तो कर्फ्यू लगा हुआ था, वहाँ पे होटल लिया, बड़ी मुश्किल सर से कॉन्टैक्ट करा वहाँ पे, फिर ट्रेनिंग करी दो तीन दिन, फिर वहाँ से आया हूँ सर। फिर वीज़ा, सबसे मेन बात सर वीज़ा, US का वीज़ा, कि वीज़ा लग जाएगा मेरा। सर मैं बिल्कुल प्रिपेयर था वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, मैं वीज़ा लगवाने गया सर, मेरा वीज़ा नहीं लगा सर, वीज़ा रिजेक्ट हो गया सर। उस दिन तो मेरा बस यूँ था कि मैं घर कैसे आया हूँ, और बस कि रो भी नहीं रहा और ना ही आंसू निकल रहे सर। तो मैं जो है ना इस चीज़ को इमेजिन कर सकता हूँ कि एक प्लेयर जो वर्ल्ड चैम्पियंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, सारी चीज़ें हो गई हैं, तैयारी हो गई है, प्रैक्टिस हो गई है, और उसके बावजूद आखिरी में वीज़ा कैंसिल हो जाए, तो ये जो है ना, ये क्या फीलिंग, तो उस टाइम क्या आपकी फीलिंग थी? सर फीलिंग यही था कि सब कुछ छोड़ दूँ, क्यों कर रहा हूँ इतनी मेहनत जब गवर्नमेंट ही मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही, सब कुछ सब ऐसा लग रहा सब कुछ ख़त्म हो गया सर। और उसके बाद सर फिर मदर ने काफ़ी सपोर्ट करा कि कोई नहीं, एक ही तो है, कुछ अच्छे के लिए हुआ होगा रिजेक्ट, कि क्या पता तेरी प्लेस नहीं आती वहाँ, तू मेडल नहीं ला पाता। उसके बाद सर मम्मी ने बहुत सपोर्ट करा, बट मेरा मन टूट गया था सर उस दिन। तो फिर मम्मी ने कहा कोई नहीं, तू जा, तू जिम जा, तू करेगा, आगे देखेंगे, अभी और भी चैम्पियनशिप आएगी, तू जाएगा, तू जीतेगा मेडल सर। उसके बाद मैं एशियन में वही सर वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करा था मैंने, और वही जो मेरा ड्रीम था इंडिया का फ्लैग लेके बस। तो ये है एक जुनून कि मुझे तो इंडिया का फ्लैग लहराना ही है, और इन्होंने किया भी ऐसे ही। और मैं थोड़ा सा एक चीज़ इस चीज़ से हटके मैं थोड़ा चीज़ें पूछना चाहूँगा कुछ और आपसे, कि आजकल जो नई जनरेशन है वो तैयारी करना चाहती है, वो भी बॉडी बिल्डर बनना चाहती है, वो भी पावर लिफ्टिंग खेलना चाहती है, लेकिन उन्हें ना शॉर्टकट चाहिए, उन्हें चाहिए कि मुझे कुछ भी दे दो, मुझे जो है मैं स्टेरॉइड भी खा लूँगा, मैं सप्लीमेंट भी खा लूँगा, पैसे भी जितने मर्जी खर्च हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे तो जो है ना आप ये बताओ कि कैसे मैं जल्दी से जल्दी मैं इन सब चीज़ों को कर सकता हूँ। तो ये क्या आप बताना चाहोगे जो यंगस्टर लड़के जो जिमों में आते हैं, जो कहते हैं कि मुझे कर रहे हैं इस तरीके, तो उनके बारे में? सर सभी को जल्दी चाहिए, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, और सर इसमें मेहनत चाहिए, पेशेंस चाहिए और डेडिकेशन चाहिए सर, और माइंडसेट। आपका माइंडसेट नहीं होगा ना, और आपको विजन की आपको कहाँ जाना है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे सर। और सर हाँ, वो कुछ भी लगाने के लिए तैयार हैं कि जल्दी बन जाए, बट उसका फ़ायदा नहीं है। अगर आप कंपीट कर रहे हो तब आपका ड्यूरेशन होगा 3 महीने 6 महीने, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट 1 साल का गैप दो, फिर 3 महीने आप यूज़ करो दोबारा, ऐसे ही प्रिपरेशन होती है सर, साल साल भर प्रिपरेशन नहीं हो पाती सर। एक और जो है मेजर मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि जब ये जब बॉडी बिल्डिंग करते हैं या फिर जो है पावर लिफ्टिंग करते हैं, तो वो डाइट खाना छोड़ना, तो जो है सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाती है, तो इसके बारे में क्या? हाँ जी सर, हो जाती है, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन लेवल जब आप इंजेक्ट कर रहे हो तब वो इंक्रीज कर देता है, और जैसे ही आप छोड़ देते हो वो एकदम लो कर देता है, तो उससे हमारे सेक्सुअल ड्राइव, ये हमारा लिबिडो है, ये हमारे स्पर्म्स काउंट है, वो कम कर देता है काफ़ी। और उसके बाद सर फिर अगर आप प्रॉपर गाइडेंस में चला रहे हो, जैसे सर एक अपना 3 महीने की साइकिल होती है, 6 महीने की साइकिल होती है, उसके बाद PCT होता है, पोस्ट साइकिल थेरेपी, अगर आप उसको अच्छे से कर रहे हो तो वो अपना लेवल ही ला देता है। बट सर एक नेचुरल और PCT करा रहे हो तो उसमें बहुत फ़र्क हो जाता है, सिंथेटिक अपना स्पर्म्स होते हैं वो सर। तो ये दिक्कत आती है सबके साथ में? हाँ दिक्कत, बट ये है सर लो एंड, मतलब इतनी दिक्कत नहीं कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, ये नहीं। सेक्सुअल ड्राइव आती है बट इतना नहीं होता सर। हाँ जो अब सर साल साल भर इसी चीज़ पे हैं, तो सर उनको तो आती ही है। तो जो है क्या थोड़ा मैसेज इसके बारे में कि जो है कि भैया ये किस तरीके से मेंटेन रख सकते हैं इन सब चीज़ों को,
सर यही है कि आप एक प्रॉपर गाइडेंस में ले पहले तो, और एक प्रॉपर टाइम होता है इनकी, एक प्रॉपर साइकिल होती है, उसके बाद इनका प्रॉपर PCT कराना ज़रूरी है, पोस्ट साइकिल थेरेपी। वो अपना आपके जो भी कोच जैसे सजेस्ट करेंगे, 25 दिन की होती है वो, 1 महीने की होती है वो, जैसे आपके कोच सजेस्ट करेंगे, ये PCT तो सर ज़रूरी है। हाँ जी, और उसके बाद सर अपना वॉशआउट का, वॉशआउट की डाइट भी, अपना डेयरी प्रोडक्ट्स, उससे ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। तो ये जो है, जो जब भी कोई जो है स्टेरॉइड की साइकिल चलाए तो उसके बाद PCT और ये बैलेंसिंग, ये वाश आउट और गाइडनेस के साथ इन सब चीज़ों को ज़रूर करें। अपने आप ट्राई ना करें, एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी ना करें, ये हमारे शरीर का जो है खिलवाड़ ना करें इससे बिल्कुल भी। जब फाइनेंशियली आपको दिक्कत चल रही थी तो कैसे आपको जो है सपोर्ट मिला, किन लोगों ने सपोर्ट किया? सर ये मैं महिपालपुर से बिलोंग करता हूँ, यही मेरा ये प्रॉपर गांव है दिल्ली महिपालपुर, तो ग्राम समिति है हमारी महिपालपुर की, उन्होंने पूरे ने मेरा सम्मान समारोह करा था बहुत अच्छे से, उसी में मेरा फाइनेंशियली हो गया था, मतलब काफ़ी सपोर्ट करा था गाँव वालों ने, और अभी भी करते हैं वो मुझे। एशियन चैम्पियनशिप जब भी खेलने गया था तब मुझे उन्होंने प्राइज़ दिया था एज अ कैश इंसेंटिव, तो उसी में मेरा फाइनेंस हो गया था सारा क्लियर। और हमारे भाई हैं ये मोंटी भाई हैं, मसल थ्रोन जिम है इनका, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट करा है। अब अपने जिम में मेरे लिए उन्होंने ये बारबेल रॉड, मतलब जो पावर लिफ्टिंग में यूज़ होती हैं वो लाए हैं, काफ़ी अच्छे हैं ये भी। तो जो है रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं, बस हमारे को ज़रूरत है अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने की। तो इसी तरीके से जो है ना, सन्नी भाई ने भी अपने जो है लक्ष्य को छोड़ा नहीं और जो है बढ़ते रहे हैं आगे, सभी लोगों ने इनको सपोर्ट किया, सपोर्टिंग हैंड्स इनके जो है बनते चले गए और ये अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले गए। और शुभकामनाएं हैं आगे भी जो है ना ये हमारे देश का नाम रोशन करें इसी तरीके से। जब इतना पूरा दिन ट्रेनिंग करना, पूरे दिन जो है सीखना सिखाना सुबह से शाम तक को जो है, तो पर्सनल लाइफ पे भी जो आपकी काफ़ी जो है इसका इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो क्या क्या जो है, जो आपकी गर्लफ्रेंड भी रही होगी, आपकी फैमिलीज भी होती है, तो क्या फ़र्क पड़ा इन सब? सर बहुत कुछ फ़र्क बहुत पड़ा है, सेक्रीफाइस मैंने बहुत करा सर, फैमिली को टाइम नहीं दे पाता सर, डाइट अपना सोना और वर्कआउट, मम्मी से कभी कभी 10-15 दिन बात नहीं हो पाती क्योंकि सुबह मुझे निकलना होता है, मम्मी ऑफिस के लिए उठती हैं, शाम को आती हैं, मैं फिर आता हूँ रात को, फिर सो जाता हूँ। और सर गर्लफ्रेंड थी काफ़ी टाइम पहले थी, अब कोई नहीं है सर, सर मैं टाइम दे ही नहीं पाता क्योंकि टाइम है ही नहीं मेरे पास एक्चुअली। और सर एक तो है ना कि माइंडसेट, मेरा माइंडसेट है कि मुझे ये करना है, और सर मैं ज़्यादा किसी लोगों से बात नहीं करता क्योंकि नेगेटिव थॉट्स उनके फिर माइंडसेट डिस्ट्रैक्ट होऊंगा सर मैं, और नेगेटिव पीपल से तो मैं सर दूर ही रहता हूँ। आपका वीज़ा नहीं लगा, आपको इंजरी होगी, आपको इतनी सारी दिक्कतें आई, तो जब आपको जब ऐसा जब चीज़ें हो जाती हैं किसी के साथ में तो इतना स्ट्रेच फील करता है बंदा, तो ऐसे में जो है ना तुम किस तरीके से इसको टैगल करते हो थोड़ा? सर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ दो, क्यों कर रहे हो, फिर ये लगता है क्यों, हमने किसी एक पर्पज़ के लिए स्टार्ट करा था वो ख़त्म ही करना है। स्ट्रेस सर आते हैं डेली लाइफ में आते हैं, अब जैसे कुछ भी प्रॉब्लम हुई, अभी जैसे मेरा गेम है ओलंपिया के लिए, तो मेरी L5 अभी लोअर बैक में दिक्कत आ रखी है काफ़ी, तो फिजियोथेरेपी डॉक्टर इधर उधर सर 15 डेज़ का रेस्ट बोल रखा है मुझे, बट अब रिकवरी हो रही है अब धीरे धीरे। तो काफ़ी स्ट्रेस आ गया था कि मैं जो चीज़ मेरी बेस्ट है मैं डेडलिफ्टिंग वही मैं नहीं कर पाऊँगा तो फ़ायदा क्या है, तो डॉक्टर ने तो ये बेड रेस्ट बोल दिया था बिल्कुल कि आपकी लिफ्टिंग लाइफ ख़राब हो जाएगी, आप खड़े नहीं हो पाओगे, आपके लोअर लेग्स पैरालाइज हो जाएंगे। बट मैंने माइंडसेट मेरा है कि जो होगा देखी जाएगी, खेलना है बस मुझे, इंडिया के लिए खेलना है। स्ट्रेस सर अब जैसे है कि मैं मदर से शेयर कर लेता हूँ, कुछ भी बात हो, राज भाई हैं उनसे बोल देता हूँ, और सबसे बेस्ट सर मैं वर्कआउट करता हूँ, कुछ भी कहीं की भी बात, मैं एक तो आपको पता है मैं बात कम करता हूँ सबसे, अब जैसे घर की कुछ भी दिक्कत आ गई तो यहाँ आके ना सर सब कुछ भूल जाता हूँ, ये मेरे 2 घंटे हैं ना वो मेरे पूरे दिन के सबसे बेस्ट होते हैं सर, यहाँ मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, स्ट्रेस सारा निकल जाता है मेरा वर्कआउट के टाइम। तो जो है आप क्या नेशन के लिए, देश के लिए किस तरीके से आप जो है क्या संदेश देना चाहोगे? सर इंस्पायर मैं युवराज सिंह से हुआ था सर, वो उनके कैंसर हो गया था, उनके ब्लड आने लगा था सर, उनका गेम था वर्ल्ड, वो वर्ल्ड कप था
उनको खेलने जाना था सर, वो तब भी खेलने गए, जब वो कर सकते तो मैं क्यों। तो ये है हमारे देश के एथलीट्स, कुछ भी हो जाए देश के लिए मेडल लेके आना है। और इन्होंने जो है युवराज सिंह का एग्जाम्पल दिया कि जो है इतना जो है ना कुछ होने के बाद भी जो है कैंसर हो गया, ब्लड आ रहा, और उसके बाद भी वर्ल्ड कप खेले और जीत के लेके आए। तो मैं सन्नी को भी मैं यही यार कहना चाहूँगा कि जो है कि ये भी जो है इंजरी है ये ठीक होगी, कुछ भी हो जाए अपने देश के लिए इसी जनून को बना के रखें, इस चीज़ को जो है बिल्कुल ना छोड़े, और हमारे देश के लिए जो है मेडल हम देखना चाहते हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप के अंदर, प्रो कार्ड का जो भी आपने खिताब जिसके लिए क्वालिफाई है उसके लिए जो है आप मेडल लेके आओ, हमारे देश का नाम रोशन करो। सर हो सके तो मैं अब ओलंपिया में इंडिया का फ्लैग ज़रूर फर्स्ट प्लेस पे हो सकेगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड ज़रूर बनाऊंगा सर उसमें। आज हमने मिलवाया आपको सन्नी शेहरावत से, इतनी दिक्कतें इतनी परेशानियों के बावजूद भी हमारे देश के लिए मेडल लाने के लिए इतने प्रयास कर रहे हैं, ऐसे एथलीट्स ऐसे प्लेयर से स्कॉर्पियो जिमेंट स्पोर्ट्स मिलवाता रहेगा आप लोगों को। ये हमारा चैनल है यूट्यूब पे स्कॉर्पियो जिमेंट स्पोर्ट्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमारा पेज है। हमारे इस पेज को अगर हमारा ये इंटरव्यू हमारी ये सीरीज अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिए, जब तक के लिए नमस्कार।